तो हाय, तो मैं शिवाली दवे, वेलकम यू ऑन माय चैनल। तो पहली बात, आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तब हम जा रहे हैं पाम झुमेरा, और ये जो पाम झुमेरा वहाँ ट्रेन होगी, मोनो रेल, वहाँ से हम जा रहे हैं। इधर से हमारी जो ट्रेन होती है वहाँ जाती है, और हम ट्रेन में जाएंगे पर आएंगे हमारी बस में, क्योंकि ये जो पाम झुमेरा है उसके नीचे से एक टनल है, वहाँ से हम फिर से बाहर आ सकते हैं। और ये जो उनकी ट्रेन है, ये यहाँ जो मैंने आपको ट्रैक बताया ये यहाँ चलती है। अंकल, माय नेम इज शिवाली दवे, कैन आई आस्क योर गुड नेम? माय नेम इज अशरफ, आई एम द टूर गाइड हियर दुबई इंटरनेशनल। So we will ask sir that what is the speciality, what is the correct travel to go the Palm Jumeirah? This is an artificial island. It's a man-made island. It's a जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो मैन-मेड आइलैंड है, ये बना है। पहले समुंदर था, तो समुंदर को पूरा ये फिलअप करके ये आइलैंड बनाया। इट इज़ इन द शेप ऑफ पाम ट्री। जो पाम ट्री जो यूएई का एक मतलब बहुत सारा जो पाम ट्रीज है, अराउंड 44 मिलियन पाम ट्रीज अराउंड दुबई यूएई, तो ऐसे शेप में बनाया, ये शेप में आइलैंड बनाया। इसमें सारा ये होटल है, ये क्रसेंट शेप में पूरा फाइव स्टार होटल है। और इधर पूरा बिल्ला है, ये जो बंगला है इधर, इसमें शाहरुख खान का भी बिल्ला है, जो बड़ा बड़ा फिल्म स्टार बॉलीवुड जो हॉलीवुड स्टार का पूरा घर इधर है। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, किसी को भी इधर परचेज कर सकते हैं। दोनों साइड में अपार्टमेंट है, बहुत सारा होटल है, वर्ल्ड फेमस होटल है। सो इट इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेस ऑफ दुबई, पाम झुमेरा। अटलांटिस होटल है, वन ऑफ द फेमस होटल इन दिस प्रॉपर्टी। सो इट इज़ कॉल्ड अटलांटिस। उसमें शूटिंग हुआ, बहुत फिल्म शूटिंग हुआ, हैप्पी न्यू ईयर जो शाहरुख खान का मूवी भी इधर शूटिंग हुआ, बहुत सारा मूवी इधर शूटिंग हुआ। स्पेशल होटल है, और उसमें स्पेशलिटी एक्वावेंचर वाटर पार्क भी है, और आपको जो स्टे होएगा आपको फ्री एक्सेस है वाटर पार्क के लिए, एक्वावेंचर वाटर पार्क। सो शिकारी, ये जो सफ़र है उसका थोड़ा डिटेल्स लेंगे, कैसे हमें जाना होता है पाम झुमेरा? एक तो इधर मोनोरेल है, मोनोरेल स्टेशन में हम लोग खड़ा है। अगर मोनोरेल में जाएगा आपको ऊपर से पूरा जो नज़र आते हैं, जो क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें टिकट होता है। वी आर स्टैंडिंग नाउ एट द मोनोरेल स्टेशन पाम झुमेरा। तो 20 दिरहम का टिकट होता है। अगर यू कैन परचेज इन द कार्ड ऑल्सो, मशीन है, आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो कैश काउंटर भी है। दिस इज द टिकट फॉर एक्वावेंचर मोनोरेल। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू अटलांटिस। दिस इज द टिकट फॉर मोनोरेल, मोनोरेल टिकट। कार्ड क्लिक किया और अब हम अंदर जा रहे हैं। इस आपकी एंट्री होती है, तब हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। अब हम फाइनल मोनोरेल में बैठने जा रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं सारा लोकेशन बहुत अच्छा है। क्या आपको ये जो मालूम है, ये जो ट्रेन है वो किसी जो पर्सन नहीं चला, कोई इंसान नहीं चलाता, ये अपने आप चलती है इंजन में, ये ऑटोमेटिक ट्रेन है।
से एग्जिट करने वाला है। इसका लास्ट स्टेशन है, इधर हमें इधर पार्किंग मारा है और इधर आपकी जो बस कार होगी वो इधर से आपको पिकअप कर लेगी। तो जो मोनोरेल का जो लास्ट स्टेशन है वो है एटलांटिस, और आप वहाँ नाइट स्टे करते हो तो आपको वाटर पार्क और जो लॉस्ट चैम्बर है वो इंक्लूड होता है, पर आप उधर नाइट स्टे नहीं करते तो भी आपको लॉस्ट चैम्बर करना है तो आपको उसकी जो एक्स्ट्रा फी देनी होती है और बाद में आप उसको देख सकते हैं। मैं मोनोरेल से उतरी तब मैंने पूरी ट्राई की है कि मैं जो लॉस्ट चैम्बर है उसका मैं आपको सीन दिखाऊं। हमारे पास थोड़ा कम वक्त है फिर भी हम उधर जाकर आपको उसका सीन दिखा रहे हैं। ओशन के नीचे कितनी डिफरेंट कलर्स की फिश होती है, मैंने तो आज देखा उसका जो नीचे का सीन कैसा होता है। बड़ी सब कितनी सारी फिशेस हैं, अलग अलग कलर्स, डिफरेंट शेप। और इधर हमने अंदर पूरा जो सी के नीचे सारा लुक होता है फिश का वो भी हमने देख लिया। माय गॉड, कितनी डिफरेंट टाइप्स की फिश होती है। बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा फिश देखने में। इधर बहुत डिफरेंट टाइप्स की फिश है और बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मज़ा आया देखने में।
पांच मेरे का ये वीडियो है वो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कीजिए, और आपको ये जो पांच मेरे उसमें क्या अच्छा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख कर बताइएगा। आपको पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।